अगर परीक्षा में प्रतिभाग करना है तो हमें नकलविहीन परीक्षा के माध्यम से ही करना पड़ेगा कि बच्चे अपने घर से पढ़ के आएं और जितना उन्हें ज्ञान है उसी को अपनी पुस्तकों पर लिखें। इस बार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर काफी अंकुश लगाया गया है, जिसके चलते अकेले मथुरा जिले में ही हजारों परीक्षार्थी परीक्षा से मुंह मोड़ चुके हैं। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा काफी कड़ाई भी की जा रही है। अगर परीक्षा में प्रतिभाग करना है तो हमें नकलविहीन परीक्षा के माध्यम से ही करना पड़ेगा कि बच्चे अपने घर से पढ़ के आएं और जितना उन्हें ज्ञान है उसी को अपनी पुस्तकों पर लिखें। एक समय था जब मथुरा जनपद नकल माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने नकल रोकने को पर्याप्त इंतजाम किए, ठोस योजनाएं बनाई और उसका फल इस बार की बोर्ड परीक्षाओं पर सीधा दिखाई दे रहा है। मथुरा जनपद में इस बार कुल 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहां नकल रोकने के लिए अच्छी किस्म के CCTV कैमरे परीक्षा केंद्र व सभी परीक्षा कक्षाओं में लगाए गए हैं और इनका कंट्रोल रूम मथुरा DIOS ऑफिस के समीप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बनाया गया है, जहां एक पूरी टीम सघन निगरानी पर तैनात है। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह भी अपनी टीम के साथ समय समय पर CCTV के माध्यम से परीक्षा केंद्रों का हाल ले रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि 4 दिन के भीतर हाईस्कूल के करीब 5,000 और इंटरमीडिएट के लगभग 3,500 परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर काफी सख्ती बरती जा रही है, जिसके चलते पहले दिन ही 2 मुन्ना भाई भी दबोचे गए हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज कराकर उचित कार्यवाही भी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर नकल नहीं करने दी जाएगी। देखिए, जनपद मथुरा में हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का संचालन जो हो रहा है उसका आज 4th दिन है और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक की परीक्षा में 2 छद्म अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जिसका आशय यह है कि वो दूसरे बच्चों के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, जिनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई कर दी गई है। और पहले दिन जो हिंदी का पेपर था हमारा हाईस्कूल का, उसमें लगभग 5,000 बच्चों ने परीक्षा को छोड़ा है और इंटरमीडिएट में जो परीक्षा थी उस दिन उसमें भी लगभग 3,500 बच्चों ने परीक्षा को छोड़ा है। इस तरह कुल मिला के करीब 8,500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा को छोड़ चुके हैं, जो लगभग पूरी संख्या का 6,000 के सापेक्ष 12-15% है। तो जिससे ये दृष्टिगत हो रहा है कि जो परीक्षा में हमने नकल विहीन और सुचितापूर्ण परीक्षा कराने का जो प्रयास किया है उसका ही ये परिणाम है कि अभ्यर्थी ये जान रहे हैं कि यदि वो पढ़ के नहीं आएंगे तो उनका अनर्थक प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपना कंट्रोल रूम GIC में बना रखा है और यहाँ पर जो 152 परीक्षा केंद्र हैं सभी परीक्षा केंद्र ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी हमने सेल पे प्रभारी बना रखे हैं जो ये देखते हैं कि अगर उन्हें मॉनिटर पे कहीं किसी कमरे में हलचल दिखाई देती है तो तुरंत ही फ़ोन के माध्यम से वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक को या उस प्रक्रिया में वहाँ पर अगर कोई सचल दल प्रभावी है और वो जा रहा है तो उसको निर्देशित किया जाता है, वहाँ जाकर मौके पर इस बात की जाँच करता है। देखिए, पूरा प्रशासन इसमें चुस्ती बरते हुए है और इसका ही परिणाम है कि हमने पहले ही दिन जो ये प्रयास किए गए उनको असफल किया है और जिस तरह से अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ा है ये भी एक सीधा संकेत दे रहा है कि अब ये मैसेज पूरे जनपद में है कि अगर परीक्षा में प्रतिभाग करना है तो हमें नकलविहीन परीक्षा के माध्यम से ही करना पड़ेगा और अभ्यर्थियों को भी ये संदेश सीधा चला गया है कि बच्चे अपने घर से पढ़ के आएँ और जितना उन्हें ज्ञान है उसी को अपनी पुस्तकों पर लिखें, कॉपियों में लिखें। या अगर परीक्षा में प्रतिभाग करना है तो हमें नकलविहीन परीक्षा के माध्यम से ही करना पड़ेगा कि बच्चे अपने घर से पढ़ के आएँ और जितना उन्हें ज्ञान है उसी को अपनी पुस्तकों पर लिखें।